मैं फैशल खान, टुडे इंडिया न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ। इस वक्त हम मौजूद है मुंबई के आरसीएफ में और यहाँ पे एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम आयोजित किया गया है, श्री रामचरित्र मानस अखंड पाठ सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय। आइए हम इस पे बात करते हैं पंडित महाराज कपिल मिश्रा जी से कि जो ये प्रोग्राम आयोजित किया हो, वो जो व्यवस्थापक है, आज ये पहला दिन है प्रोग्राम का और यहाँ पे दो दिन प्रोग्राम चलेगा, तो हम जानना चाहेंगे कपिल महाराज पंडित मिश्रा जी से। बताइए, ये जो श्री रामचरित्र मानस अखंड पाठ कराया जा रहा है सब जन के हित के लिए, सब जन के सुख के लिए, और इसी प्रकार कई सालों से चल रहा है और सारे समाज के लोग, हमारे स्टेट लोग और सभी सभी वर्ग के लोग आकर के इसमें सहयोग करते हैं और सब जन के कल्याण के लिए हम अपनी अंतरिक्ष भावना से चाहते हैं सबका कल्याण हो, इसके लिए आयोजन किया जा रहा है, दो दिन चलेगा। इसी तरह से हम और भी बात करेंगे, पंडित जी हैं, पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे। हमारा नाम आचार्य शिवम शास्त्री जी है, मैं प्रतापगढ़ यूपी से कपिल महाराज के द्वारा मेरा आगमन हुआ है इस यज्ञ को पूरा कराने के लिए। और हमारे कपिल महाराज जी कई वर्षों से यह कार्यक्रम कर रहे हैं सभी के कल्याण के लिए। सर्वे भवन सुग्रा, सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्तु भवेत्। यह कार्यक्रम आज 29 तारीख से शुरू हुआ है, कल इसका समापन है। अधिक से अधिक संख्या में यह जहाँ तक सूचना पहुँच रही हो वहाँ के भक्त आवें। श्री राधे कृष्ण मंदिर आरसीएफ कॉलोनी गेट नंबर 3 चैम्बूर मुंबई 74 इसका कार्यक्रम किया गया है। आप सब आइए अपने परिवार के साथ और इस रामचरित मानस पाठ का सुन करके और हवन करके अपने अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय श्री थे, जो कि आज प्रोग्राम शुरू हुआ है और कल यहाँ पे समाप्ति होगी इस प्रोग्राम की। आज 29 तारीख है और कल 30 को समाप्ति होगी। देश प्रदेश की ताजा खबरों के लिए देखते रहे टुडे इंडिया न्यूज़। मैं फैशल खान, मुंबई। मनुष्य